नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एमपी के मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के दूध खरीदी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल वीरपुर गांव में ग्रामीणों से दूध खरीदी को लेकर दो लोगों लंकेश शर्मा और मोहर सिंह जाटव में विवाद इतना बड़ा कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि लंकेश शर्मा की ओर से 20 से 30 लोगों ने मोहर सिंह के घर पर हमला कर दिया। दोनों पक्ष में पहले मारपीट हुई, फिर पथराव हुआ। दबंगों ने मोहर सिंह के घर में आग तक लगा दी। इसके बाद मोहर सिंह अपने स्वजनों को लेकर बागचीनी थाने के लिए रवाना हुआ तो दबंगों ने उन्हें गांव के बाहर लालबांस रोड पर लिया और गोलियां दाग दी। गोली लगने से 60 वर्ष के काशीराम जाटव और उनका बेटा 36 वर्षीय पुरुषोत्तम जाटव घायल हो गया। वहीं लाठी और पथराव के हमले से 3 अन्य लोग घायल हो गए। गोली लगने से घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। उधर बागचीनी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। IAS MPPSC व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।